CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक रिमझिम में संकलित एक पाठ। पाठ का शीर्षक है चिट्ठी का सफर। अपनी 10-12 साल की जिंदगी में तुमने कुछ पत्र तो लिखे ही होंगे। वे पत्र अपने सही पते और समय पर किस तरह पहुंचे होंगे ये बहुत सी बातों पर निर्भर करता है, जैसे कि चिट्ठी किस स्थान से किस स्थान पर भेजी जा रही है, संदेश पहुंचाने की कितनी जल्दी है, तुमने पूरा और ठीक पता लिखा है कि नहीं, तुमने उस पर डाक टिकट लगाया है कि नहीं आदि। अब प्रश्न ये उठते हैं कि आखिर चिट्ठी पर डाक टिकट लगाया ही क्यों जाए? पूरे और ठीक पते से क्या मतलब है? जरूरत पड़ने पर संदेश को जल्दी कैसे पहुंचाया जाए? स्थान बदलने से चिट्ठी के पहुंचने पर क्या असर पड़ता है? इनमें से कुछ सवालों के जवाब शायद तुम्हारे पास हों, खासकर तुम में से उनके पास जो डाक टिकटें इकट्ठा करने का शौक रखते हों। इन सवालों के जवाबों के लिए जरा लिफाफों पर लिखे इन दोनों पतों को तो देखिए। पहला पता, महात्मा गांधी जहां हूं वहां वर्धा। दूसरा पता, श्रीमान निदेशक महोदय राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद श्री अरविंद मार्ग नई दिल्ली 110016। ये दोनों पते किस तरह से भिन्न हैं? गांधी जी को भेजे गए पत्र में पते की जगह पर लिखा है महात्मा गांधी जहां हो वहां वर्धा, जबकि लिफाफे पर इमारत या संस्थान से लेकर शहर तक का नाम लिखा हुआ है। पते में सबसे छोटी भौगोलिक इकाई से शुरू करके बड़ी की ओर बढ़े हैं। छोटी से बड़ी भौगोलिक इकाई का मतलब ये हुआ कि घर के नंबर के बाद गली मोहल्ले का नाम, फिर गांव, कस्बे, शहर के जिस हिस्से में है उसका नाम, फिर गांव या शहर का नाम। शहर के नाम के बाद लिखे अंक को पिन कोड कहते हैं। हर जगह को एक पिन कोड दिया गया है। ये सोचने लायक बात है कि आखिर पिन कोड की जरूरत क्या है? हमारे देश में अनेक ऐसे कस्बे, गांव, शहर हैं जिनके नाम एक जैसे हैं। पते के बाद पिन कोड लिखने से गंतव्य स्थान का पता लगाने में डाक छाटने वाले कर्मचारियों को मदद मिलती है और पत्र जल्दी बांटे जा सकते हैं। पिन कोड की शुरुआत 15 अगस्त 1972 को डाक तार विभाग ने पोस्टल नंबर योजना के नाम से की। जाहिर है कि गांधी जी को मिले इस पत्र पर और उन्हें मिले किसी भी पत्र पर पिन कोड का इस्तेमाल नहीं किया गया था। फर्क सिर्फ पिन कोड का ही नहीं है, समय के साथ डाक सेवाओं में निरंतर बदलाव और विकास होता रहा है।
बहुत पुराने समय में कबूतरों के द्वारा संदेश भेजे जाते थे। जब संदेशवाहक कबूतरों की बात हो रही है तो उन इंसानों की बात कैसे ना हो जो ऐसे समय से डाक पहुंचाने का काम करते रहे जब संचार और परिवहन के साधन बेहद सीमित थे। बात हो रही है उन हरकारों की जो पैदल ही आम आदमी तक चिट्ठी पत्री पहुंचाने का काम करते रहे। राजा महाराजाओं के पास घुड़सवार हरकारे हुआ करते थे। हरकारों को न सिर्फ हर तरह की जगहों पर पहुंचना होता था बल्कि डाक की रक्षा भी करनी होती थी। डाकू, लुटेरों या जंगली जानवरों की चपेट में आने का डर हमेशा बना रहता था। आज भी भारतीय डाक सेवा दुर्गम व पहाड़ी इलाकों तक डाक पहुंचाने के लिए हरकारों पर निर्भर करती है। जम्मू कश्मीर के लद्दाख खंड में पदम या जंस्कार जैसी कई जगह हैं जहां हरकारे डाक पहुंचाते हैं। आजकल तो संदेश भेजने के नए नए और तेज साधन आसानी से उपलब्ध हो गए हैं। डाक बांटने में हवाई जहाज, पानी के जहाज और जाने कौन कौन से साधन इस्तेमाल किए जा रहे हैं। डाक विभाग भी पत्र, मनी ऑर्डर के साथ साथ ईमेल, बधाई कार्ड आदि लोगों तक पहुंचा रहा है। कबूतरों की उड़ान से लेकर हवाई डाक सेवाओं तक का सफर दिलचस्प करने वाला है। ये सोचकर आश्चर्य होता है कि कबूतर जैसा पक्षी संदेश वाहक भी हो सकता है। कबूतर की कई प्रजातियां होती हैं और ये सभी संदेश लाने ले जाने का काम नहीं कर सकती। गिरहबाज या हूमर वो प्रजाति है जिसे प्रशिक्षित करके डाक संदेश भेजने के काम में लाया जाता है। आखिर कबूतर अपना रास्ता ढूंढ कैसे लेता है? उन प्रवासी पक्षियों के बारे में सोचो और पता करो कि वे कैसे सैकड़ों मील का रास्ता और सही जगह तय कर पाते हैं। उड़ीसा पुलिस खास तौर पर हूमर कबूतरों का इस्तेमाल राज्य के कई दुर्गम इलाकों में संदेश पहुंचाने के लिए कर रही है। कानून व्यवस्था, संकट और अन्य मौकों पर संदेश के लिए ये कबूतर बहुत ही उपयोगी साबित हुए। कबूतरों की संदेश सेवा बहुत सस्ती है और उन पर खास खर्च नहीं आता है। इन कबूतरों का जीवन 15-20 साल होता है और 8-10 साल तक वे बहुत अच्छा काम करते हैं। स्वस्थ कबूतर एक दिन में 1000 किलोमीटर तक का सफर कर सकता है। यदि कोई महत्वपूर्ण संदेश पहुंचाना हो तो 2 कबूतरों को भेजा जाता है ताकि बाज के हमले जैसी अनहोनी स्थिति में भी दूसरा कबूतर संदेश पहुंचा दे। शायद तुम एक ऐसे कबूतर की कहानी पढ़ना चाहो जो दूसरे विश्व युद्ध में संदेश पहुंचाता था। इस कबूतर की कहानी नेशनल बुक ट्रस्ट से अंग्रेजी में छपी एक किताब में दी गई है। किताब का नाम है ग्रे नेक, जो कि इस किताब के हीरो का भी नाम है। अगर तुम हिंदी में पढ़ना चाहते हो तो क्यों ना नेशनल बुक ट्रस्ट को पत्र लिखो कि वे इस किताब को हिंदी में भी छापें।
ये रहा उनका पता। नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया, A5 ग्रीन पार्क, नई दिल्ली 110016। पिन शब्द पोस्टल इंडेक्स नंबर का छोटा रूप है। किसी भी जगह का पिन कोड 6 अंकों का होता है। हर अंक का एक खास स्थानीय अर्थ है। उदाहरण के लिए NCERT को भेजे गए लिफाफे पर लिखा अंक है 110016। इसमें पहले स्थान पर दिया गया अंक ये बताता है कि ये पिन कोड दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब या जम्मू कश्मीर का है। अगले दो अंक यानी 10 ये तय करते हैं कि ये दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के उपक्षेत्र दिल्ली का कोड है। अगले तीन अंक यानी 016 दिल्ली उपक्षेत्र के ऐसे डाकघर का कोड है जहां से डाक बांटी जाती है। अब तुम्हारा स्कूल जहां पर है उस इलाके का पिन कोड पता करो। अपने घर के इलाके का पिन कोड नंबर भी पता करो। पिन कोड की जानकारी डाकघर से प्राप्त की जा सकती है। डाकघरों में टेलीफोन डायरेक्टरी की तरह पिन कोड डायरेक्टरी भी मिलती है। तुम्हारे इलाके का पिन कोड तो तुम्हारे मोहल्ले में लगे लेटर बॉक्स पर ही लिखा होगा। प्रमुख जगहों या शहरों के पिन कोड नंबर तुम्हें कहां कहां मिल सकते हैं? टिकट संग्रह का शौक काफी लोकप्रिय है। धीरे धीरे इसमें टिकट संग्रह के अलावा डाक से जुड़ी और बहुत सी चीजें शामिल हो गई हैं। इसको डाक का विज्ञान कहना गलत नहीं होगा। क्या तुम जानते हो इस विज्ञान को क्या नाम दिया गया है? पता करो। चिट्ठी का सफर। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। पाठ समन्वय डॉ. लता पांडे, निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर, कलाकार सुचित्रा गुप्ता और विजय सिन्हा, ध्वन्यांकन दीपक पांडे और अमिता भट्टी, निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन।